लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज नई मुंबई के वासी प्रभाग 64 में शुरू किए गए वैक्सीनेशन सेंटर का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद संजीव नाइक, पूर्व विधायक संदीप नाइक समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। प्रभाग 64 के रहवासियों के लिए यह सेंटर समाज सेवक एडवोकेट नीलेश भोजने की टीम द्वारा प्रारंभ किया गया है। लोक नेता गणेश नाइक ने यहाँ भेंट देकर टीकाकरण सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आज वैक्सीन की किल्लत है, ऐसे में एडवोकेट नीलेश भोजने ने स्वयं के खर्च से नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन की जो सुविधा उपलब्ध कराई है वह सराहनीय है। गणेश नाइक ने विश्वास जताया कि यदि ऐसी पहल हर नगर सेवक करते हैं तो इससे सभी नई मुंबईकरों का टीकाकरण बिना खर्च और समय पर पूरा हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई वासी का यही वो मराठी साहित्य मंदिर है जहां प्रभाग 64 के रहवासियों के लिए खास तौर पर कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है। लोक नेता गणेश नाइक ने आज इस टीकाकरण केंद्र का औपचारिक उद्घाटन किया। इस सेंटर में 18 से 45 आयु वर्ग के 1000 से अधिक नागरिकों को मुफ्त कोरोना टीका दी गई। इसका आयोजन और खर्च समाज सेवी एडवोकेट नीलेश भोजने और उनकी टीम द्वारा किया गया था। यहाँ के सुविधाओं का जायजा लेने के बाद विधायक गणेश नाइक ने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना से सुरक्षा के लिए नागरिक जल्द टीकाकरण चाहते हैं, लेकिन वैक्सीन की किल्लत होने से लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में पैसे देकर भी समय पर वैक्सीन नहीं पा रहे। ऐसे में एडवोकेट नीलेश भोजने की टीम मुफ्त वैक्सीन लगवा रही है, जो नागरिकों के लिए बड़ी राहत है। गणेश नाइक ने विश्वास जताया कि यदि हर नगर सेवक ऐसी ही पहल करते हैं तो इससे नागरिकों पर बोझ डाले बिना सभी नई मुंबईकरों का जल्द टीकाकरण हो सकता है। केंद्र सरकार ने सभी कंपनियों को कहा है कि जो जनता के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से जो वितरण होने वाला है वो जो वैक्सीन है उसकी कीमत कम रखो। वैक्सीन देने की उन्होंने सहूलियत दी और वो कई हॉस्पिटल्स के माध्यम से एक वितरण हो रहा है तो लगता है इतने दिनों में जो कोई कमाई नहीं थी, रिक्शा वाले, हाथ पे काम करने वाले जो नाका मजदूर है, कैजुअल लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, अभी रिक्शा वालों को कल पेट्रोल कहाँ से लाए इसकी चिंता उनको सताती होगी। ऐसे स्थिति में ये विकट जो वैक्सीन लेना उनके लिए मतलब दुखदायी है। भोजने ने, राजेश शेट्टी ने अपने खर्च जेब से पैसा उसमें डाला है और कार्यकर्ता उनके साथ में है और वार्ड में भी कार्यकर्ता ये प्रयास करे, लेकिन गलत लोगों से पैसा न लेते हुए, किसी को दम देके पैसा न वसूलते हुए लोगों को अपील करते। कई लोगों ने थोड़ी सी राशि दे दी, उसका हिसाब भी उस इलाके में लोगों को दे दिया या डायरेक्ट उनका चेक उधर हॉस्पिटल को दिया तो क्लियरिटी आ जाएगी और ऐसा प्रयास करने वालों की समाज में एक सम्मान की बात हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी करे सब लोग, ऐसे मेरी इच्छा है। अपने समाज सेवा के माध्यम से, संस्था के माध्यम से एडवोकेट नीलेश जी भोजने जी ने और उनके टीम ने बहुत ही अच्छा ये कामयाब ऐसा ये कोविड वैक्सीन का टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम लिया है। और सबसे बड़ी बात है मेरे हिसाब से, मेरे जानकारी के हिसाब से शायद ये नवी मुंबई का पहला कैंप है जो मुफ्त में है। ये गवर्नमेंट मुफ्त में देती है। दूसरा, सेकंड, ये नीलेश जी ने अपने संस्था के माध्यम से अपने इस इलाके के लोगों के लिए ये मुफ्त में टीकाकरण, खासकर 1845 के जो लोग हैं, खासकर युवा जो बच्चे लड़के लड़कियाँ हैं जिनको बाहर जाना है
और उनको टीका नहीं मिल रहा है तो बाहर नहीं जा पा रहे, तो ऐसे लोग परेशान हैं। मैंने देखा है ना कि लोग वसई से आ रहे हैं, विरार से आ रहे हैं, भाईंदर से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, कल्याण, डोंबिवली, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्योंकि नवी मुंबई में टीका मिल रहा है। तो मैं नीलेश जी को बधाई बात देता हूँ। यहाँ नीलेश जी ने अलग अलग संस्थाओं को, अपनी खुद की संस्था से लोगों को एक साथ जोड़कर ये जो अच्छी भावना रखकर ये टीकाकरण कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये बहुत ही काबिलियत और सराहना लायक ऐसी बात है। असल में मुंबई महानगर पालिका 45 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए टीका अभियान चला रही है। हालांकि 18 से 44 आयु वर्ग के लाखों युवा और नागरिक वैक्सीन के इंतजार में हैं। उन्हें काम धंधे और कॉलेज जाने के लिए टीका से सुरक्षा चाहिए। एडवोकेट नीलेश भोजने ने कहा कि इस युवा तबके की समस्या का समाधान करने के लिए ही हमने फ्री वैक्सीनेशन का निर्णय लिया। एडवोकेट नीलेश भोजने ने कहा कि पहले चरण में 1000 लोगों को वैक्सीन दी गई, दूसरे चरण में प्रभाग 64 के बाकी लोगों को वैक्सीनेशन कराने का लक्ष्य है। सर, मैंने कहा कि 18-44 इनको मिल नहीं रहा है। दूसरी बात, ये कोरोना के दिनों में लॉकडाउन ऑन ऑफ चालू है, अच्छे खासे लोग हैं जिनको कामकाज नहीं है, तकलीफें हैं, एक एक घर में से 2 बच्चे 3 बच्चे, हर एक को 2500 रुपये खर्च करना पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ से कई दोस्त हमारे जो जुड़े हुए हैं, हमसे दोस्त हैं, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, उन्होंने हर किसी ने अपने तरफ से, किसी ने 5000 10000 15000, ऐसे हमने जमा करके पैसे जमा किए और रिलायंस को पे किए ताकि सारे लोगों को ये सुविधा मिल सके। 3000 प्लस का टारगेट रखा है, आज के दिन में मेरे अंदाजन 1000-1200 हो जाने चाहिए। सेकेंड फेज में जो फॉर्म्स आएंगे हमारे पास, हम डेट लेके हॉस्पिटल को अप्रोच करके और एक कैंप रखने के विचार में। वहीं नागरिकों ने भी फ्री वैक्सीनेशन का इंतजाम करने पर समाज सेवी एडवोकेट नीलेश भोजने और उनकी टीम का आभार जताया और टीकाकरण को अपने लिए सुरक्षा की बड़ी पहल बताया। एडवोकेट नीलेश भोजने यांनी आपल्या वार्ड 64 मध्ये हे वैक्सीनेशन कैम्प ऑर्गनाइज केला आहे। वार्ड तसा आपला खूप सक्षम आहे, सगळेजण एज्युकेटेड पर्सन आहेत आणि आपल्याकडे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हा प्रथम वार्ड आहे आपला की जो 64 पूर्ण वैक्सीनेशन होणार आहे। जरी सक्षमता असली तरीही ह्या वॉर्डामध्ये ज्येष्ठ नागरिक अधिक आहेत, त्यांच्यासाठी ही खूप महत्त्वाची गोष्ट होती। त्यांना दूर दूरकडे जायला नको, त्यासाठी त्यांनी हा जो उपक्रम घेतलेला आहे तो अतिसुंदर उपक्रम आहे आणि त्यांना ह्या गोष्टीतून भरघोस यश मिळू दे। देखिए, ये जो 18-44 के लोग हैं, उन लोग उसमें हम लोग भी आते हैं। ऑनलाइन का जो अपॉइंटमेंट मिलने नहीं मिलने से बहुत लोग परेशान थे। दूसरा चीज़ ये है कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिसके घर में एक से ज़्यादा लोग है। 1000 रुपया पर डोज देना ये नामुमकिन है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये सोचा कि सभी हमारे ग्रुप में आके डोनेशन कॉन्ट्रीब्यूशन किया, किसी ने 10 वैक्सीन डोनेट किया, किसी ने 100 किया। ऐसा करते करते हम लोगों ने वार्ड को कवर करने के लिए सारे इंतजाम किए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।